सदा शाम शिवाय नमः श्री गणेशाय नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत आज हम लोग 11वें अध्याय का श्रवण वाचन मनन करेंगे। इसमें शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन विधि का वर्णन है तथा शिवपद जैसे परम पद की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के सत्कर्म अपेक्षित हैं इसका विवरण दिया गया है। जैसे हाउचु कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथम वतस्य लक्षणम कथम वतसभ्यर्चम देशे काले चकेन ही। हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए? जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये कथा शौनक आदि ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं, 88,000 ऋषियों को। बीच बीच में नंदिकेश्वर आकर के सनत कुमार को कथा सुना रहे हैं। सनत कुमार जी से व्यास जी ने कथा सुनी थी, वेद व्यास जी ने, और वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी हैं जो इस कथा को कह रहे हैं। तो जो ऋषि समूह कथा श्रवण के लिए प्रयागराज में उपस्थित है वो प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से कि हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। ये प्रश्न ऋषियों द्वारा हम सब मनुष्य प्राणियों के हित के लिए सूत जी से किया जा रहा है। सूतवाच युष्मदर्थम प्रवक्षामि बुद्धात्मा उदानता अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा यथेष्टम लिंगमारोप्यम यत्र नित्यमर्चनम पार्थिवेन तथा पेण तेजसेन यथा रुचि कल्पक्षण संयुक्तम लिंगम पूजा फलम लभेत सर्वलक्षण संयुक्तम सद्या पूजा फलप्रदम चरे विशिष्यते सूक्ष्म स्थावरे स्थूल में ओहि सलक्षणम सपीठम च स्थापयेच्छु निर्मितम मंडलम चतुर्दस्त्रम वा त्रिकोणम अथवा तथा खड्वंग मान मध्य सूक्ष्म लिंग पीठम महाबलम प्रथम मृचलिलाद्यप्यो लिंगम लोहादिविकृतम येन लिंगम तेन पीठम स्थावरे ही विशिष्यते लिंगम पीठम चरे तो एकम लिंगम बाणकृतम विना लिंग प्रमाणम कृत्वा द्वादशमुलाहम उत्तमम। सूत जी बता रहे हैं, मैं आप लोगों को इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर समझिए। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में अथवा नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग तत्काल पूजा का फल देने वाला है। ये सूत जी बता रहे हैं विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से, इसका तात्पर्य है कि इनका निर्माण किया जा सकता है, धातु हो सकता है, जल हो सकता है और जो पार्थिव द्रव्य हैं उन सब से किसी भी प्रकार से इसकी स्थापना की जा सकती है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। चल प्रतिष्ठा से तात्पर्य है कि शिवलिंग को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि ले जाना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से सुविधा होगी, छोटा सा शिवलिंग होना चाहिए। और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी है यानी स्थायी रूप से, तो स्थूल शिवलिंग ही इसके लिए श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खड्वांग के आकार का, ऊपर गोल तथा आगे लंबा होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। जो शिवलिंग जिसमें हम स्थापित करते हैं उसकी पीठ कैसी, उसका वर्णन है कि ये चौकोर भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, लेकिन जो खड्वांग है, खट्वांग क्या है, खट्वांग का आकार यह है कि ऊपर से गोल और आगे से लंबा। प्रायः आपने देखा होगा कि इसी तरह के शिवलिंग जिसमें स्थापित होता है जिसे हम लोग अर्घा कहते हैं, वो इसी प्रकार का होता है कि इधर से गोल होकर आगे ले जा करके वो लंबा हो जाता है। ऐसा जो लिंग पीठ है वो महान फल देने वाला होता है। खड्वांग मन मध्यम सूक्ष्म लिंग पीठम महाफलम, पहले मिट्टी, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। यानी मिट्टी से भी कर सकते हैं, पत्थर से भी कर सकते हैं, लोहे से भी कर सकते हैं और आदि शब्द का प्रयोग है
प्रस्तर आदि का मतलब किसी प्रकार का भी पत्थर हो सकता है, और लोहा आदि का मतलब किसी भी प्रकार की धातु हो सकती है। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए, ये आवश्यक है। जिस चीज़ से शिवलिंग का निर्माण किया जाए, यानी पत्थर के यदि शिवलिंग है तो पीठ भी पत्थर की होनी चाहिए, यदि लोहे के शिवलिंग है तो पीठ भी लोहे की होनी चाहिए, और मिट्टी के है तो मिट्टी की होनी चाहिए, उसी के उसका पीठ भी होना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए ये नियम नहीं है। ये बता रहे हैं कि जो चल प्रतिष्ठा वाला है यानी चलता फिरता शिवलिंग कह सकते हैं, उसकी भी पीठ है एक ही धातु की होनी चाहिए। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के बराबर जो है होनी चाहिए, ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ सकती है, अधिक हो तो कोई दोष नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है, उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के एक अंगुल के बराबर होनी चाहिए, यानी जो चल लिंग है वो छोटा हो सकता है। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी पूजा अर्चना साथ लेकर के साधु संन्यासी चलते हैं तो वो शिवलिंग साथ में रखते हैं, तो इसलिए वो जो शिवलिंग है उसकी लंबाई हो सकती इतनी। लेकिन जो अचल शिवलिंग है वो जो लंबाई है जो करता है यानी मनुष्य जो उसकी स्थापना कर रहा है वो 12 इंच की बात है, ये 12 अंगुल, ये 8 अंगुल हो गए, और इससे लेकर के इतना यानी इतने शिवलिंग की लंबाई होना चाहिए, ऐसा सूत जी बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाएं जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो, उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो, उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो, उसमें पूर्व पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों, जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल रत्न, वैदूर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हविष की अनेक आहुतियां दें, और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन तथा भाई बंधुओं को अभिलषित वस्तुओं से संतुष्ट करें, याचकों को जड़ यानी स्वर्ण ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करें। ये देख करके सामान्य भक्तों को या श्रद्धालुओं को लग रहा होगा कि साहब वो शिवलिंग की स्थापना करना तो बड़ा कठिन है, उनकी स्थायी रूप में स्थापना करने के लिए इतने महंगे महंगे जो है रत्न और दिव्य समर्पित करने होंगे, तो ये कैसे हो सकता है। तो देखिए जो हमारे शास्त्र हैं ये व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करने के लिए कहा गया है, बोला गया है। आपने अभी जो विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों का वर्णन सुना उसमें मृतका का भी शिवलिंग बनता है और चल शिवलिंग बनता है, तो जब चल शिवलिंग है तो उसके नीचे आपको क्या रखना है। मिट्टी का शिवलिंग है तो जो मिट्टी का शिवलिंग है जैसा बताया कि उपादान, उपादान कारण उसको कहते हैं जिससे कोई वस्तु बनती है, जैसे गिलास है तो गिलास स्टील से बना है तो स्टील उपादान कारण हो गया। किस लिए बनाया गिलास, पीने पानी पीने के लिए या दूध पीने के लिए बनाया, तो ये निमित्त कारण हो जाता है, तो वो बता रहे हैं। और दूसरा इसमें कर्ता कोई बनाने वाला भी है तो उसको कर्ता कारण कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस विधान से सामान्य भक्तों को जिनकी सामर्थ्य ऐसी नहीं है और इस तरह के मंडप की स्थापना नहीं कर सकते हैं उनके लिए पहले ही चल शिवलिंग का और मृतिका से लेकर के पत्थर तक के शिवलिंग का वर्णन किया जा चुका है। स्थावरम जंगम जीवम सर्वम संतोष यत्नता सवर्ण पूर्ते स्वभ्र नवरत्नश्च पूर्ते। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्यो जातादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें, तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप यानी दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। लिंगम तत्र प्रतिष्ठाप्य लिंगम पीठेन योजयेत लिंगम सपीठम निक्षिप्य नित्य लेपेन बंधयेत।
ये जो सद्योजात मंत्र की बात बार बार आई है, वो मंत्र है कि ओम सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे, भवस्व माम भवोद्भयाय नमः, ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकर्णाय नमो, बल विकर्णाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूतमदनाय नमो, मनोन्नमनाय नमः, ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यो ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम ईशाना सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो अधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवम। इस तरह से जो सद्योसाद जो आदि जो ये वैदिक मंत्र हैं इनके वर्णन की बात कर रही है। इसी प्रकार से वहाँ पंचाक्षर मंत्र से नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है, परम सुंदर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। जैसा अभी पूर्व के प्रसंग में आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान शिव ने कहा कि मेरे सकल और निष्कल दोनों रूप हैं, जो मेरा निष्कल रूप है वो शिवलिंग है जो श्रेष्ठ रूप है, और मेरा सकल रूप मेरी मूर्ति है। और उन्होंने कहा दोनों की स्थापना की जा सकती है, दोनों फल देने वाले हैं, लेकिन मेरे सकल रूप से निष्कल रूप ज़्यादा उत्तम है, यानी बिना आकार का यानी निराकार रूप जिसे हम शिवलिंग के रूप में जानते हैं वो बता रहे हैं कि वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो यहाँ बता रहे हैं कि पंचाक्षर मंत्र से चाहें तो सकल मूर्ति की भी स्थापना की जा सकती है। इसमें अंतर इतना है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु यहाँ पर वेर शब्द का प्रयोग किया। वेर का मतलब आकृति से है, वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए, यानी लिंग की जो प्रतिष्ठा हो वो ओम से होना चाहिए। हमने अभी पिछले श्लोक में बताया था कि नाद घोष सद्यादि ब्रह्मचोर्चा ध्यात्वा देवम परम शुभम उदीर्य चा महामंत्र मोंकारम नाद घोषितम। नाद यानी ओम, इस तरह का नाद करना चाहिए। और जो मूर्ति की स्थापना होगी भगवान शिव की वो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस तरह से पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। ये अंतर वो बता रहे हैं। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए और बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त वेर मूर्ति को रखना आवश्यक है। यानी जहाँ शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है और अब यदि हम कोई उत्सव और यात्रा शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं तो भगवान शिव की मूर्ति उस शोभा यात्रा के लिए अलग से रखी जा सकती है। वेर को बाहर से भी लाया जा सकता है, वेर का तात्पर्य मूर्ति भगवान शिव की, तो बता रहे हैं कि इसको बाहर से भी लाया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य वेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वेर में भी की हुई महादेव की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और क्रम कीट आदि को जंगम लिंग, यानी सींचने आदि के द्वारा स्थावर लिंग की सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। इस प्रकार चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ कही जा रही है कि स्थावर और जंगम, जंगम का भेद बता रहे हैं कि वृक्ष लता आदि यानी जितने भी प्रकृति है हमारी वो भगवान शिव का ही एक रूप है, जो स्थावर प्रकृति है यानी जो चल फिर नहीं सकते हैं स्थित है। तो उनका पूजन यानी जल आदि के द्वारा जलाभिषेक करना, उनका उनका रक्षण करना, उनका पोषण करना खाद आदि के द्वारा, ये भी एक प्रकार से भगवान शिव की पूजा है। और जो दूसरा जो चल हैं सचर हैं उनको क्या करना है, उनको जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना ही भगवान का पूजन है। तत् सुखानुरागरण शिव पूजाम विदुर बुधा, जो बुद्धिमान लोग हैं वो ऐसे चर और अचर दोनों प्रकार के लोगों को पूजन करने को शिव पूजा ही मानते हैं। यानी यदि आपको शिवलिंग की स्थापना करके ये जो अभी पीछे प्रक्रिया बताई गई नहीं हो सकता है, वेर यानी मूर्ति की स्थापना भी नहीं हो सकती, जुलूस आदि का भी कार्य नहीं हो सकता है, तो यदि हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं जिस प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता हमारी प्रकृति को है वो भी भगवान शिव की आराधना और पूजा है। इसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का हम रक्षण पोषण करते हैं, चींटियों को दाना चुगाते हैं, पक्षियों को जो हम लोग अन्न खिलाते हैं या उनके पीने के लिए पानी रखते हैं, ये सब भगवान शिव के
ही एक तरह से अंश हैं, क्योंकि इस सृष्टि के कर्ता जो है परमात्मा शिव हैं, पोषणकर्ता भी वही हैं, श्रृंगारकर्ता भी वही हैं, अनुग्रहकर्ता भी वही महादेव हैं। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि जंगम लिंगित माहु कृम कीटादिकम तथा स्थावरस च सुशूषा जंगमस्य च तर्पणम, यानी ये जो है इसको शिव पूजा विदुर्भुधा, इसको भी शिव पूजा ही समझना चाहिए। सभी पीठ परा प्रकृति जगदम्बा का स्वरूप हैं और समस्त शिवलिंग चैतन्य स्वरूप हैं। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बैठा कर विराजते हैं, उसी प्रकार ये शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो पीठ है जिसमें शिवलिंग स्थापित होता है वो स्थावर प्रतीक प्रकृति का प्रतीक है, और जो शिवलिंग है वो चर प्रकृति का प्रतीक है, यानी चर और अचर का जो अभी वर्णन आया वो जो है ये इस रूप में इसको समझा जाना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें, अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। इस प्रकार साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाले लिंग की स्थापना करें अथवा चरलिंग में षोडशोपचार द्वारा यथोचित रीत से क्रमशः पूजन करें। ये पूजन भी शिवपद प्रदान करने वाला है। आवाहन आसन अर्घ पाद पाद्योग आचमन अभ्यंग पूर्वक स्नान वस्त्र गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल समर्पण नीराजन नमस्कार विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। षोडशोपचार आप लोगों ने सुना होगा अक्सर, षोडशोपचार पूजा प्रायः आचार्य लोग पंडित जी लोग ये सारी पूजा कराते हैं, जिसमें हमने बताया आवाहन आसन अर्घ पाद आदि वस्त्र समर्पण वस्त्र गंध पुष्प दीप नैवेद्य तांबूल नीराजन नमस्कार, और इसके बाद देवताओं का विसर्जन भी किया जाता है। लक्ष्मी जी को छोड़ करके पूजा उसाने पूजा समाप्त होने पर देवताओं को विसर्जन करने के लिए अपने अपने स्थान पर जाने के लिए भी प्रार्थना की जाती है, ये षोडशोपचार पूजन कहलाता है। इसका वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। अथा अभिषेक नैवेद्यम नमस्कारम च तर्पणम यथा शक्ति सदा कुर्यात शिवपद अप्रदम, ये शिवपद को प्राप्त करना। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभूलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर से जो कुछ कहा गया वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं है कि शिवलिंग की स्थापना ही करनी है। पहले से शिवलिंग किसी ने स्थापित किया है, वो चाहे देवों द्वारा स्थापित हो, चाहे ग्रहों द्वारा स्थापित हो। काशी में आप देखेंगे तो सभी देवों ने आकर के शिवलिंग की स्थापना की। ब्रह्मा जी ने की तो ब्रह्मेश्वर घाट भी है वहाँ पर, और ब्रह्मेश्वर महादेव हैं, उस शिवलिंग ब्रह्मा जी ने स्थापना की है। भगवान परशुराम ने की है तो परशुरामेश्वर महादेव हैं। बृहस्पति भगवान ने की है तो बृहस्पतेश्वर महादेव हैं। शुक्र भगवान ने किए तो शुक्रेश्वर महादेव हैं। यानी काशी में तो सारे लोगों ने आकर के भगवान शिव की स्थापना की, तो वो सारे के सारे इस तरह से हैं। तो जो भी इनके जो शिवलिंग स्थापित है या स्वयंभू शिवलिंग है, जो हमारे ज्योतिर्लिंग है उनको स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है, उन सबका दर्शन पूजन करने से भी वही फल की प्राप्ति होती है जो नए शिवलिंग की स्थापना की प्राप्ति होती है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि हमें अपने द्वारा स्थापित शिवलिंग का ही पूजन करना है। कहीं भी किसी भी स्थान पर स्थापित शिवलिंग, वैसे तो चर अचर प्रकृति संपूर्ण भगवान शिव का प्रतीक बताई गई है, तो इसलिए कहीं भी अगर वो स्थापित है तो उसको भी। और उदाहरण बता रहे हैं कि कुछ लोग हाथ के अंगूठे आदि पर भी पूजा करना चाहते हैं। अंगुष्ठा दावापी तथा पूजा मिच्छन्ति केचन, लिंग का निर्माण कहीं भी करने में किसी प्रकार का निषेध नहीं है। भगवान शिव सर्वत्र ही भक्ति के प्रयत्न के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। अथवा श्रद्धापूर्वक शिव भक्त को शिवलिंग का दान या लिंग के मूल का दान करने से भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। यदि हम शिवलिंग की स्थापना नहीं कर सकते तो हम शिवलिंग ला करके किसी को दान भी कर सकते हैं, या शिवलिंग की मूर्ति के बराबर हम अन्नदान या अन्य कोई पदार्थ का दान कर सकते हैं। और यहाँ तक बताया गया कि यदि और कुछ नहीं तो अपने अंगूठे को ही शिवलिंग मान करके आप इनकी भी इस पर भी श्रद्धा रख के पूजन अर्चन करके, क्योंकि संसार में जो भी चराचर है भगवान शिव का ही स्वरूप है, तो ये भी आप किया जा सकता है। श्रद्धा शिवभक्ता दत्तम शिवपत्प्रदम अथवा प्रणवम नित्यम जपे सहित शास्त्रम, अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव का जप करें, ये क्रम भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। प्रणव मंत्र ने ओम ओम का जाप सिर्फ ओम ओम ओ, इस तरह से 1,000 संध्या के समय या 10,000 पूरे दिन के समय में जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है।
ओम में हम आप जानते हैं जैसे तीन अक्षर निकलते हैं आ उमा, तो ये जो मकारांत है यानी अंत में जो म निकलता है ये मन की शुद्धि करने वाला है। जब काले मकारांतम मना शुद्धि करम भवेत, ये उसको बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि अन्य सब समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय उपांशु जप ही करना चाहिए। यानी यदि हम समाधि में हैं तो मानसिक जप चलता रहे, यानी ध्यान में बैठे हुए हैं ये भी एक समाधि की मुद्रा है, तो मानसिक जप करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि मुख से आवाज़ निकले, लेकिन अन्य समय में यदि हम समाधि में नहीं हैं और उसको जप कर रहे हैं तो धीमे स्वर से जो है उसे उपांशु जप कहते हैं। ओम 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 ओम, यानी इस तरह से धीमे स्वर से जप को समाधु मान संप्रोक्तम मानसुम सार्वकालिकम, ठीक है, उपांशुम सार्वकालिकम समान प्रणवम चेवम बिंदु नादयुतम विधु। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदरपूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 का जप किया जाए तो उसे शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ये अनेक उपाय बताए गए, चूँकि बताया था कि यहाँ पर शिवलिंग का भेद, उनका पूजन, उनकी स्थापना और शिवपद की प्राप्ति। तो अब ये शिवपद की प्राप्ति के उपाय हैं कि जिसमें शिवलिंग की स्थापना भी से भी, दूसरा प्रणों के जप से और तीसरा नमः शिवाय के जाप से भी ये प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणों से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। जो ब्राह्मण वर्ग है वो प्रणों से युक्त होकर के पंचाक्षर मंत्र जपे, यानी ओम नमः शिवाय इस तरह से, चूँकि जो पाँच अक्षर हैं तो नमः शिवाय में है लेकिन इसके साथ प्रणों जोड़ा जाए। फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का कन्यास, सत्व से पवित्र अंता करने वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। ये पहचान बताई गई है कि गुरु कैसा होगा, ब्राह्मण हो, पवित्र हो, ज्ञानी हो, ये और पवित्र अंता करने वाला हो। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेत्रों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक अंत में नमः जोड़कर उच्चारण का ही विधान है, अर्थात कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। देखिए कितना आसान उपाय बताया गया है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है, अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1,00,000 जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1,000 दिनों में प्रतिदिन 1,000 जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10,00,000 जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए, उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। यानी जो भी हम कार्य की सिद्धि चाहते हैं उसके लिए बहुत ही अमोघ मंत्र है ये शिव मंत्र। अभी जो ये कुछ लोगों के मन में भ्रम हो सकता है कि यहाँ पर द्विजों के लिए तो नमः शिवाय कहा गया और द्विजेतर जो जातियाँ हैं, जो वर्ण हैं, उनके लिए शिवाय नमः कहा गया, ऐसा क्यों? देखिए जब आप दोनों मंत्रों का जाप करेंगे तो दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं। आपको प्रारंभ करना है, नमः शिवाय कहेंगे या शिवाय नमः कहेंगे तो वही चीज़ आती जाएगी, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय या शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। एक बार नमः ज़्यादा हो सकता है शिवाय नमः में जब आप पढ़ रहे हैं, और उधर एक बार कम हो सकता है। तो इस तरह से ये भेद जरूर बताया गया। ये भेद तब के लिए था कि जब अलग अलग वर्णों की पहचान भी हो, सबके लिए अलग अलग थोड़े से अंतर के बाद, फल एक ही मिलने वाला है लेकिन थोड़े से विधान के बाद उसका अंतर बताया जाए, उसके लिए ये विधान किए गए थे। फल प्राप्ति में इसका कोई नहीं है, और वैसे तो अब वर्ण व्यवस्था रही नहीं है, तो भगवान शिव के प्रति श्रद्धा के भाव से जो जाप किया जाएगा ओम नमः शिवाय का या ओंकार का या नमः शिवाय का या शिवाय नमः का, वो वही फल प्रदान करने वाला होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने जो सूत जी हैं वो बता रहे हैं कि कितने मंत्र पढ़ने से और किस किस तरह से फल की प्राप्ति होती है, किस प्रकार से जो और भी बता रहे हैं कि जो मनुष्य बगीचे लगाता है, मंदिर में झाड़ू बुहारी करता है, शिव कार्य करता है या भक्तपूर्वक काशी में निवास करता है, तो ये सारे जो कर्म हैं ये सब निश्चित रूप से शिवपद को प्रदान करने वाले हैं।
मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग से चारों ओर 100 हाथ तक पूर्ण क्षेत्र कहा गया। इसी प्रकार से यदि जहाँ शिवलिंग स्थापित किया गया है तो उसमें जो चारों ओर है उस 100 हाथ तक का क्षेत्र शिवलिंग का ही माना जाना चाहिए, पूर्ण क्षेत्र होता है। ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग चारों ओर 1000 हाथ तक का पूर्ण क्षेत्र होता है और देवताओं द्वारा जो स्थापित शिवलिंग उसके चारों ओर भी 1000 हाथ तक का पूर्ण, यानी ऋषियों द्वारा और देवों द्वारा जो शिवलिंग स्थापित हैं, जैसा हमने अभी काशी का उदाहरण दिया, ऐसा विभिन्न स्थानों पर शिवलिंग स्थापित हैं। तो काशी में ही जब आप पंचकोशी परिक्रमा करेंगे तो वहाँ कर्दम ऋषि द्वारा कर्दमेश्वर महादेव हैं स्थापित, यानी कर्दम ऋषि ने स्थापित किया था। तो इस तरह से 1000 हाथ तक वो पूर्ण क्षेत्र माना जाता है। एक बार हमने ये चर्चा की होगी कि जो अहिल्याबाई ने आकर के जो वर्तमान में शिवलिंग है काशी में, जिसका हम सब लोग दर्शन करते हैं, जहाँ कॉरिडोर बना हुआ है, और जो प्राचीन हमारे महादेव थे शिवलिंग, उसको तो आतताई दुष्ट आक्रांता औरंगजेब के लोगों ने जो नष्ट करने का प्रयास किया, भ्रष्ट करने का प्रयास किया था, तो और वहाँ पर एक ढांचा खड़ा कर दिया। तो वो जो शिवलिंग अहिल्याबाई द्वारा स्थापित किया, ऋषियों द्वारा स्थापित उन्होंने करवाया, आचार्यों द्वारा जो स्थापित कराया, और स्वयं अहिल्याबाई भी एक तरह से देवी के समान थी, जो है जो उनके कृत्य हैं, जो उनके आचरण है, वो सब देव तुल्य हैं। और वो इसलिए जो अहिल्याबाई द्वारा जो स्थापित शिवलिंग हुआ वो भी उसी प्रकार का महत्व रखते हैं। इसी तरह से इस क्षेत्र में जो कुआं बनवाएगा, पोखरे बनवाएगा आदि, इस तरह के जो आकर के ऐसे स्थानों पर किसी मृत संबंधी का शिव क्षेत्र में दाह करेगा, काशी में हम लोग जानते हैं काशी मरणान मुक्ति, वहाँ तो शरीर त्यागने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, श्राद्ध आदि का कार्य करेगा, उन सब के लिए शिवपद की प्राप्ति का विधान यहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार से मनुष्य जो है अपने वर्ण के अनुरूप सदाचारण का पालन करके मनुष्य इन विभिन्न प्रकार के कार्यों द्वारा, लोकोपकारी कार्यों द्वारा, जो बावड़ी है, जो कुआं है, जो अस्पताल हैं, विद्यालय हैं, इस तरह के जो लोकोपकारी कार्य हैं, इन सब का जो निर्माण करके भी भगवान शिव के परम पद की प्राप्ति कर सकता है। उक्तेन केन चित्ताभ्यादग्र भेदता सदवृत्ति पाप भीतर फलमाप्नुयात। इस प्रकार से अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो पाप है वो हमारे फल का हरण करता है। तो ये नहीं संभव है कि हम नित्य प्रति पाप भी करें और भगवान शिव के मन की पूजा करें, वो सारी चीज़ें करें। भगवान शिव की स्थापना, शिवलिंग का पूजन सद फल देने वाला है, लेकिन यदि हमारे एक पाप कर्म है तो पहले पाप कर्मों का प्रक्षालन होगा। इसलिए जब हम ये सारे कार्य करें तो सावधान भी रहें, मन वाणी और कर्म से हमसे कोई अनुचित कार्य ना हो। सूत जी द्वारा किए गए इस विस्तार को सुनकर के ऋषिगण बोल रहे हैं कि अथ क्षेत्राणि पुण्याणि समासात कथस्व न सर्वाविस्तृष्ट पुरुषा यहाँ आश्रित पदम लभेत सूता योग वे प्रसिद्ध शिव क्षेत्र मांगसता। हे सूत जी, अब आप हमें पूर्ण क्षेत्र बताइए जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिवपद प्राप्त कर लें। हे सूत जी, हे योगीवरों में श्रेष्ठ शिव क्षेत्रों तथा शैव गामों यानी शिव विषय शास्त्रों का भी वर्णन करिए। सूतवाज श्रुत श्रद्धा सर्व क्षेत्राणि तथा मनाम। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सभी क्षेत्रों और आगमों का वर्णन श्रद्धापूर्वक सुनिए। इस इति श्री शिव महापुराण प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम शिवलिंग पूजादि वर्णनम नय नामक दशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिवलिंग की पूजादि का वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग फिर भगवान शिव के आगे की लीलाओं का श्रवण करेंगे। परमात्मा हम सबको सन्मार्ग में प्रेरित करें, हम सबका कल्याण करें, हम सबका उद्धार करें। हम लोग अज्ञानी हैं, मोह ग्रसित हैं, उन्हीं की माया में फंसे हुए हैं। प्रभु अपनी माया से मुक्ति प्रदान करें, हमको अपनी भक्ति प्रदान करें, हमें बुराइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करें और हम अपने जीवन को सार्थक करें। इस तरह से भगवान शिव हम पर कृपा करें। हर हर महादेव शंभो।